हेलो। चलो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बायो का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है ना। दो सेकंड इतना। पढ़ते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब क्या है। जितने भी स्पीशीज हैं, ठीक है, उन सबों को पांच कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उन सभी को लिविंग बींग्स को पांच स्पीशीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ना है। जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पांच कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो उनके बारे में पढ़ना है चैप्टर के अंदर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है। देर आर मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग फ्रॉम सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया टू लार्ज ट्रीज लाइक मैंगो और पाइन एंड ह्यूज एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स एंड व्हेल्स। वो कह रहे हैं यहाँ पे मिलियंस ऑफ टाइप्स के क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। सिंगल सेल बैक्टीरिया से लेके बड़े बड़े प्लांट्स और एनिमल्स या लाइक एलिफेंट और व्हेल्स तक, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं। द रेंज ऑफ साइजेस इज नॉट सो सरप्राइजिंग। जो ज़्यादा सरप्राइज इसकी वो ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, बट इट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। बट इसमें जो कॉम्प्लेक्स है वो है स्ट्रक्चर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। फॉर स्टडीइंग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग सिमिलरिटीज। वो कह रहे हैं फॉर स्टडीइंग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर की डाइवर्सिटी के बारे में आपको जानना है, तो इन ऑर्गेनिजम्स को आपको ग्रुप करना होगा उनके इंक्रीजिंग सिमिलरिटीज के बेस पे, इनकी सिमिलरिटीज के बेस पे ग्रुप करना होगा। जिसके अंदर ज़्यादा सिमिलरिटीज उनको एक ग्रुप में डाल दो, जिनके अंदर सिमिलरिटीज नहीं कर दो। द ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो अरेंज फ्रॉम लेस कॉम्प्लेक्स टू मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स टाइप। वो कह रहे हैं कुछ तो लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। बिफोर वी टॉक ऑफ डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स ऑन अ ब्रॉड स्केल, वी शुड फर्स्ट गेट फैमिलियर विद द कैटेगरी लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी, नेमली स्पीसीज, जीन्स, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। कह रहा है डाइवर्सिटी के बारे में तो बाद में बात करूँ, उससे पहले कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में, लाइक स्पीसीज क्या होता है, जीन्स क्या होता है, फैमिली क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, क्लास क्या होता है ना, फिलम क्या होता है, पहले होता है इनके बारे में पहले जान लो। तो पढ़ते हैं। अब ऊपर लिख के दे रहे लेटर से स्टार्ट द लोएस्ट कैटेगरी, यानी सबसे छोटी कैटेगरी स्पीशीज होती है। स्पीशीज मींस एन ऑर्गेनिज्म ऑफ पर्टिकुलर काइंड हुज मेंबर्स इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल किंगडम्स। स्पीशीज मतलब क्या, ऑर्गेनिज्म ऑफ पर्टिकुलर काइंड जिसमें इंटरब्रीडिंग हो सकती है, जिसमें इंटरब्रीडिंग होती है। रिजल्ट ऑफ अ स्पीसीज कैन नॉर्मली ब्रीड अमंग देयरसेल्फ। वो कहें जितने भी लोग, जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं इस स्पीसीज में, आपस में ब्रीडिंग कर लेते हैं। इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल्स ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज डिफर फ्रॉम ऑल अदर लिविंग बींग्स। वो कह रहे हैं
कि अगर पर्टिकुलर स्पीसीज के इंडिविजुअल्स की बात करोगे तो वो और अलग दिखाई देंगे, थोड़े डिफरेंट दिखाई देंगे, थोड़े डिफरेंट होंगे वो, है ना। ऑल हाउस कैट्स ऑफ अ वर्ल्ड बिलोंग टू वन स्पीसीज, वो कह रहे हैं जितने हाउस कैट्स होते हैं वो एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, बेशक उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कलर, हाइट एंड लेंथ ऑफ टेल, यार दे कैन ऑल इंटरब्रीड, लेकिन वो सारे के सारे इंटरब्रीड कर सकते हैं, इसलिए हम उनको एक ही स्पीसीज बोलते हैं। सो द हाउस कैट इज वन स्पीसीज, जिसको बोलते हैं फेलिस डोमेस्टिकस। फेलिस डोमेस्टिकस सर ये क्या है, ये एक बायोलॉजिकल नेम नेम है। इन कैट्स के इस स्पीसीज के बायोलॉजिकल नेम है फेलिस। सिमिलरली देयर मे बी क्वाइट अ फ्यू डिफरेंसेस इन द बॉडी फीचर्स ऑफ द पीपल ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज और रेसेस, येट देयर कैन बी अ मैरिज बिटवीन देम विद द नॉर्मल चिल्ड्रन। सो ऑल मैनकाइंड टुडे बिलोंग टू अ सिंगल स्पीसीज, वो कह रहे हैं अगर हम इंसानों की बात करें तो वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, उनकी कास्ट अलग हो सकती है, अलग कंट्री में रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो आपस में क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं और नॉर्मल चिल्ड्रन उनके होते हैं। तो सर ये हम लोग भी क्या खेलेंगे, सिंगल स्पीसीज खेलेंगे, हम भी क्या खेलेंगे, सिंगल स्पीसीज खेलेंगे, होमो सेपियंस हमको बोला जाता है। सिमिलरली ऑल पीपल ट्रीज एंड ऑल मैंगो ट्रीज बिलोंग टू देयर रेस्पेक्टिव स्पीसीज, यानी पीपल है यानी वर्ल्ड में है, उन सब के अपने अलग स्पीसीज, स्पीसीज अलग हैं, ठीक है, स्पीसीज अलग हैं, मैंगो ट्री की अलग है। हॉर्स एंड डोंकी आर टू डिफरेंट स्पीसीज, तो हॉर्स और डोंकी सेम नहीं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हैं, एंड बोथ हैव देयर न्यूमरस ब्रीड, और इनकी भी अलग अलग ब्रीड्स हैं। ऑल ब्रीड्स ऑफ अ हॉर्स एंड दोज ऑफ अ डोंकी कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस, बट अक्रॉस बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी दो पॉसिबल, वो कह रहे हैं सर हॉर्स और डोंकी वो तो अपने रेस्पेक्टिव मतलब रेस्पेक्टिवली इंटरब्रीडिंग कर, ठीक है, तो ठीक है, तो वो सर डिफरेंट डिफरेंट रिश्ता है, हाँ, बट इनमें क्रॉस ब्रीडिंग भी हो सकती है ना, बिटवीन हॉर्स दो पॉसिबल, है ना, डायल म्यूल सर फर्टाइल म्यूल, लेकिन उनसे क्या होगा, एक म्यूल बॉर्न नहीं होगा, ठीक है। ह्यूमंस हैव बीन प्रैक्टिसिंग प्रोड्यूसिंग म्यूल्स फॉर सेंचुरीज, ह्यूमन प्रोड्यूस करने की काफी सेंचुरी से ट्राई करते आ रहे हैं, बट सेवरल न्यू टाइप्स ऑफ क्रॉसेस हैव बीन सक्सेसफुली ट्राइड इन मॉडर्न टाइम्स, और काफी सक्सेसफुल भी हुए हैं ये, है ना, ब्रीडिंग, ऐसी क्रॉस ब्रीडिंग। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, जेब्रा अपॉन मेटिंग विद अ डोंकी प्रोड्यूस जिंकी, जेब्रा की जब क्रॉस ब्रीडिंग डोंकी के साथ की जाती है तो जिंकी बहुत होता है, विद ईयर्स एंड बैक लाइक दोज ऑफ डोंकी एंड डोंकी एंड स्ट्रिप्ड लेग्स एंड हिप्स लाइक अ जेब्रा, ठीक है, जेंकी स्टर्ली, जेंकी क्या है, एक स्टर्ली कैट होता है। टाइगर मीटिंग विद फीमेल लाइन प्रोड्यूसेस टाइगर, टाइगर को अगर क्रॉस ब्रीडिंग किया है फिर लाइन के साथ, टाइगर की लाइन के साथ, तो टाइगर बॉर्न होता है। गीप इज द प्रोडक्ट ऑफ गॉट एंड सीप, अच्छा गॉट और सीप की अगर क्रॉस ब्रीडिंग की जाए तो एक गीप तो जो बॉर्न होता है गीप बोलते हैं। अगेन स्टर्ली पोमेटो, ये कहाँ से आ गया, टोमेटो जैसा, पोमेटो पोटैटो टोमेटो, पोमेटो इज अ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस पोटैटोज अंडरग्राउंड एंड टोमेटोज अबव ग्राउंड, ओके, एक ऐसा प्लांट जो जमीन के नीचे तो पोटैटो देता है और जमीन के ऊपर टोमेटो देता है, पोमेटो इसका नाम हो गया, बट इट प्रोड्यूसेस नो सीड्स, कोई सीड्स नहीं होते हैं। तो ये सारे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रॉस ब्रीडिंग के एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रखना है कि जेब्रा और डोंकी से जेंकी, टाइगर लॉयन से टाइगन, गॉड सीप से गीप, टोमेटो पोटेटो से पोमेटो, है ना। ये सच क्रॉसिंग और इंटरब्रीडिंग कैन अकर ओनली बिटवीन टू वे, तो कह रहे हैं तो कह रहे हैं जो क्रॉस ब्रीडिंग भी होती है ना, तो ये भी बहुत काफी क्लोज स्पीसीज के अंदर होगी, जो क्लोजली रिलेटेड हो, जो क्लोजली रिलेटेड हो उन्हीं स्पीसीज के बीच में होगी। एंड द ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बेबीज, ऑफस्प्रिंग मतलब बेबीज, बच्चे आर इनवेरिएबली स्टर्ली, और वो स्टर्ली होंगे। स्टर्लेशन का क्या मतलब है देखते हैं, फिर बात करें कैटेगरीज हायर देन स्पीसीज, यानी स्पीसीज से ऊपर की कैटेगरी।
मतलब अभी बताया था ना स्पेसिस को, ये लोग लोएस्ट कैटेगरी बोल रहे हैं, तब बोला है उसके अलावा तो कैटेगरी जो सो ऊपर है जो जीन्स। सिमिलर स्पेसिस कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड जीन्स। तो कहते हैं सिमिलर स्पेसिस जो होती हैं, अभी सिमिलर किसकी बात की, स्पेसिस की है ना, वो क्या करते हैं एक नई कैटेगरी नेक्स्ट हायर कैटेगरी बनाते हैं जिसको बोलते हैं जीन्स। इसका प्लूरल होता है जेनेरा। एग्जाम्पल वी हैव, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, वी हैव क्रोज अराउंड द होम्स, ठीक है, हिल क्रो, द हिल क्रो, ठीक है, दोनों अलग अलग तरीके के हुए, इज डिफरेंट फ्रॉम क्रो फाउंड ऑन द प्लेन्स, ठीक है, इन मैनी फीचर्स। वो कह रहे हैं कि हमारे घर के पास जो क्रोज मिलते हैं और जो पहाड़ी इलाकों पर जो क्रोज मिलते हैं, जंगल क्रो बोलो, जंगली क्रो बोलो, ठीक है, वो डिफरेंट होते हैं, उनके फीचर्स भी डिफर करते हैं, कलर कलर बीक एक्सेट्रा, है ना। द हिल क्रो एंड दोनों के अलग अलग स्पीसीज हैं, दे कैन नॉट इंटरब्रिट, वो इंटरब्रिट नहीं कर सकते, येट दे आर क्रोज, लेकिन फिर वो क्या क्रोज ही है, इजिली फ्रॉम द अदर वर्ड, फ्रॉम द अदर वर्ड, दिस काइंड्स ऑफ क्रोज बिलोंग टू सेम जीन्स कॉल्ड कॉर्वस। तो वो कह रहा है ऐसा है भी सर डिफरेंट, लेकिन स्पीसीज को भी अगर आप मिला दो तो ये सिमिलर से लग रहे हैं, तो ये क्या लग रहा है सिमिलर से, तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, और ये जीन्स का जो नाम है वो है कॉर्बस, कॉर्बस, कॉर्बस। सर प्रॉपर नाम इनके क्या है, तो नीचे लिखे हुए हैं कॉर्वस स्प्लेंडेंस, कॉर्वस मैक्रोरैंकोस, है ना, मैक्रोरैंकोस। अब थर्ड कैटेगरी आ रही है फैमिली, अ ग्रुप ऑफ जेनेरा, मतलब कि अगर स्पीशीज को स्पीशीज से मिलाया तो बना आपका जीन्स, अब जीन्स को जीन्स से मिलाओगे तो बनेगा फैमिली, विथ सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ फॉर्म फैमिली, और सर सिमिलर तो नहीं सही इनमें, ये ध्यान रखना, ग्रुपिंग कर पा रहे हैं तभी हम ग्रुपिंग कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टाइगर, टाइगर एक पेंथेरा लियो है, एक पेंथेरा टाइग्रिस है, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, बट दे बिलोंग, लेकिन वो सेम जीन्स, लेकिन वो सेम जीन से बिलोंग करते हैं पेंथेरा, ठीक है। अनदर जीन्स फेलिस यानी बिल्ली, विच इंक्लूड डोमेस्टिक कैट, ऑल्सो शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और मेरे कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ होती हैं, देयर फॉर देयर इज अ लार्जर कैट फैमिली, इसी फैमिली बनती है, बड़ी कैट फैमिली बनती है फेलिडे, विच इंक्लूड्स द जीन्स ऑफ लायन टाइगर एंड द जीन्स ऑफ डोमेस्टिक कैट, यानी सर तीनों को एक ही फैमिली में माना गया है, और जिसको हम बोलते हैं फेलिडे, क्या बोलते हैं फेलिडे, है ना। फिर उस ऊपर भी आता है ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, ग्रुप ऑफ फैमिलीज, ऑर्डर क्या है, ग्रुप ऑफ फैमिलीज। फॉर एग्जाम्पल द कैट फैमिली फेलिडे एंड द डॉग फैमिली कैनिडे, है ना, डॉग्स, फॉक्सेस, जैकल्स एटसेट्रा, तो ये सब कॉमन फीचर्स हैं, सो दे मेक एन ऑर्डर, तो सर उन दो लोगों को अगर उन दोनों से ऑर्डर बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। और सर इस एग्जाम्पल को क्या बोलेंगे, सैटरडे ऑर्डर द कार्निवोरा। इस एग्जाम्पल में जो किया गया है, तो इस फैमिली का नाम, इस ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा, कार्निवोरा, ठीक है सर। फिर क्लास आते हैं, क्लास क्या है सर, ये ग्रुप ऑफ ऑर्डर है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स लाइक ग्रुप ऑफ डॉग्स, कैट्स, बैट्स, व्हेल्स, मंकीज एंड इवन ह्यूमन एटसेट्रा हैव सम कॉमन फीचर्स, सर कॉमन फीचर के इनमें भी होते हैं, सच एज हेयरी स्किन एंड मिल्क ग्लैंड्स, द पर्टिकुलर क्लास ऑफ द एनिमल्स मेंशन्ड हियर इज मैमल्स, मेमेलिया, है ना। तो एक क्लास बना दी, द फेलम, फेलम इज द लार्जेस्ट डिवीजन, बड़ा पार्ट है ये इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा सर, इसके अंदर ग्रुप ऑफ क्लासेस आएंगे, तो सारे रिलीजन के अंदर कुछ, रिलीजन के अंदर कुछ कॉमन चीजें हों, रिलेटेड क्लासेस कॉन्स्टिट्यूट अ फेलम, फेलम
For example, the class of different animals like the mammals, reptiles, frogs, fishes, etc. together constitute the phylum. Chordata, which have a notochordate or a backbone. फिर एक आता है किंगडम कि द किंगडम इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ लिविंग. अब किंगडम तो क्या है, लार्जेस्ट डिवीजन है इन किंग बींग्स लिविंग बींग्स का. और डिटेल में यहाँ पे कुछ बताने को, डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सर अभी तक क्या क्या पढ़ा? प्रोसेस कैटेगरीज, ये सबसे छोटी होती है. स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज मिलकर क्या बनाती हैं? जीन्स. बहुत सारी जीन्स मिलकर क्या बनाते हैं? फैमिली. बहुत सारी फैमिलीज मिलकर क्या बनाती हैं? फैमिली है ना इसका, ठीक है. ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर मिलकर क्या बनाते हैं? क्लास. बहुत सारे क्लास मिलकर क्या बनाते हैं? फैलम. और ये सारे बना रहे हैं, होने चाहिए क्या रिलेटेड, होने चाहिए क्या रिलेटेड, होने चाहिए क्या रिलेटेड है ना. इनमें कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें होनी चाहिए. उस कॉमन उन सिमिलरिटीज के बेस पर इनका ग्रुप किया जाता है. अगर कोई सिमिलरिटीज नहीं होगी तो इनको ग्रुप नहीं किया जा सकेगा, ठीक है. ड्रॉबैक्स ऑफ द ओल्ड टू किंगडम क्लासिफिकेशन. According to the old classification as was given by Linnaeus, the entire world of living organisms was divided into two kingdoms. That's what I'm saying. कि दो मतलब classification है kingdom के, new और old. तो old classification के अंदर पूरे living beings को कहा था kingdom, divide किया गया था kingdom of plantae, जिसके अंदर सारे plants आ गए थे, और kingdom लिया जिसके animalia, जिसके अंदर सारे animals आ गए थे. बट द स्कीम हैड सेवरल ड्रॉबैक्स, लेकिन ड्रॉबैक्स के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स से कुछ कमियाँ थी, जैसे कि बैक्टीरिया कैन नॉट बी प्लांट्स. हाँ, बैक्टीरिया को प्लांट आप कहोगे नहीं, बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. अभी थोड़ा आपको बायोटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, ठीक है. तो सर इसको सिंपल से मान के चलते हैं, बैक्टीरिया प्लांट, बैक्टीरिया प्लांट्स तो है नहीं, तो सर ये प्लांट वाली क्या फैमिली किंगडम में नहीं आएंगी. और सम ऑफ देम इवन पजेस द फ्लैगेला टू हेल्प देम मूव, ठीक है. Some single celled organisms such as Eulena. Some single celled organisms such as Eulena cannot be exclusively called plant or animal. वो कहने कुछ तो ऐसे सोचते ना, तो उनका प्लांट कह सकते हो, एनिमल कह सकते हो. पर सब किस कैटेगरी में क्लासिफाई करोगे? वो तो ऐसी कैटेगरी बनाई ही नहीं है इस ओल्ड ओल्ड किंगडम के अंदर. They have chloroplasts like plants and cell mouth. टू फीड लाइक एनिमल्स, उनके पास प्लांट्स वाले फीचर्स हैं, एनिमल्स वाले भी कुछ के पास, तो मतलब कॉम्बिनेशन है दोनों का. तो उसको किस कैटेगरी में डालोगे, प्लांट ही में डालोगे एनिमलिया में डालोगे? तो ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं वहाँ पे. फंगी आर ऑल्सो नॉट प्लांट्स एज दे नाइदर हैव क्लोरोफिल नॉर रूट्स स्टीम लीव. फंगी वो तो प्लांट भी नहीं है, तो उसको किस में डालोगे, एनिमल में डालोगे क्या? तो सो द अबव थ्री ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नाउ रेकग्नाइज डिस्टिंक्ट किंगडम. तो इनको सर आज के टाइम पर डिस्टिंक्ट किंगडम मान लिया गया है, इन तीनों को अलग अलग कैटेगरी बना दिया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी. एंड दीज टुगेदर विद टू अदर किंगडम प्लांट्स प्लांटे एंड एनिमल्स, एंड अब टोटल होगा पांच किंगडम. टोटल क्या होगा, पांच किंगडम. पहले होते थे फाइव किंगडम, वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन. अब इन तीनों के हिस्सों को कंसिडर करके हमारा बन गया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है. नाउ कंसीडर व्हाट इज कॉल्ड द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एज इज गिवन बिलो, जो कि नीचे दिया गया है. काफी बड़ा चैप्टर है,
कुछ होमवर्क दे रहा हूँ यार, उनको मार्क करवाना। चलो छोड़ो, अभी कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एकदम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक है ना, मैं आधा आधा नहीं करना चाहता, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे।